वजीफा घोटाले दे नाल जुड़ी वड्डी खबर दस दिंदे हां। पिछले समय दौरान वजीफा घोटाले दा रौला तुसीं भी बहुत सुनिया होना ते हुण खबर वड्डी यह आई है कि पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले दे विच 6 अधिकारी बर्खास्त कीते गए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जातियां दे लई 39 करोड़ रुपये के पोस्ट मैट्रिक वजीफा घोटाले की जांच विच दोषी पाए 6 अधिकारियों नूं बर्खास्त किया। इन्हां दे विचों 4 अधिकारी समाजिक न्याय सशक्तिकरण ते घट गिणतियां बारे विभाग अते 2 जने वित्त विभाग नाल संबंधित ने। परमिंदर गिल डिप्टी डायरैक्टर, चरणजीत डिप्टी कंट्रोलर, मुकेश भाटिया सैक्शन अधिकारी, राजिंदर चोपड़ा सुपरडेंट, राकेश अरोड़ा ते बलदेव दोवें सीनियर सहायक भी शामिल ने। इन्हां विच चरणजीत राकेश सेवा मुक्त हो चुके हैं। इन्हां 6 अधिकारियों की बर्खास्तगी के हुक्म कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर दे वल्लों जारी किए गए हैं। यह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार वेले सामने आया सी। उस वेले विभाग के मंत्री साधु धर्मसोत होंदे सन। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी इस घोटाले की जांच करवाई सी, पर 2 बारी साधु धर्मसोत नूं क्लीन चिट दी गई। ते हुण आम आदमी पार्टी दी सरकार दे वल्लों करवाई गई विभागी जांच विच सामने आया है कि ऐसी विद्यार्थियों नूं वजीफियां दी वंड मौके तत्कालीन मुख्यमंत्री दे दिशा निर्देशों नूं अणगौलियां कीता गया ते कुछ निजी संस्थावां नूं बेलोड़ा फायदा पहुंचाया गया। इन्हां संस्थावां खिलाफ कार्रवाई करन दी थां करोड़ों रुपये का लाहा दिता गया। 14 संस्थावां दे मुड़ आडिट के लिए वित्त विभाग तो लोड़ींदी प्रवानगी लैण दी थां इन्हां अधिकारियों ने बेलोड़ा लाहा देण लई कुछ होरनां संस्थावां दे नाम सूची विच शामिल भी कीते। इन्ना ही नहीं, वित्त विभाग की प्रवानगी तो बिना ही 9 संस्थावां नूं 16 करोड़ 91 लाख रुपये जारी किए गए। इस घोटाले की जांच नूं लैके समाजिक न्याय विभाग के साबका वधीक मुख सकत्तर कृपा शंकर सरोज ने तत्कालीन मुख सकत्तर नूं रिपोर्ट सौंपी सी, जिस तो बाद इस पूरे मामले की जांच हुई। साबका वधीक जिला ते सैशन जज BR बांसल ने कहा कि तत्कालीन वधीक मुख सकत्तर दे वल्लों कीतियां टिप्पणियां वाले सफे रिकॉर्ड दे विचों ही गायब ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब सांभण तो बाद जुलाई 2022 दे विच पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम च होईयां बेनियमियां दी व्यापक जांच दे हुक्म दित्ते सन। 6 अधिकारी बर्खास्त होए ने ते हुण सेक तत्काली मंत्रियों दे तक पहुंचेगा जां नहीं, ये जांच की अगली कड़ी दे विच पता लगूगा। वड्डी खबर गुरु की नगरी अमृतसर तो है, जिथे पंजाब नैशनल बैंक दे विच दिन दिहाड़े 22 लाख रुपये डाकुआं ने लुट लए। मूँह ढाके आए 2 हथियारबंदां ने इस घटना नूं अंजाम दिता ते घटना दोपहरे करीब 12 वजे वापरी। सब तो पहला 1 हथियारबंद बैंक च दाखिल होया। उसने काउंटर ते बैठे कैशियर वाल पिस्तौल तान दित्ती ते नकदी खो के लै गया। इस तो बाद ओह बाहर स्कूटर ते खड़े व्यक्ति नाल फरार हो गया। घटना मौके बैंक दे बाहर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं सी, जिस करके लुटेरे दा किसी ने कोई विरोध नहीं कीता। खबर पड़े जाने तक पुलिस नूं लुटेरियां दा कोई सुराग नहीं मिलिया। पुलिस ने मौके ते पहुंच के CCTV फुटेज जब्त कर लई है अते कार्रवाई कीती जा रही है। लुटेरियां ने सिर्फ चंद क मिनटां दे विच इस घटना नूं अंजाम दे दित्ता ते जिस वक्त लुट दी वारदात वापरी बैंक दे विच सिर्फ 13 व्यक्ति सन, जिन्हां विचों 2 खपतकार सन, बाकी मुलाजम सन। लुटेरे ने कैशियर नूं सारी नकदी एक लिफाफे च पाउण लई कहा ते कैशियर तो 22,48,000 रुपये लैके फरार हो गया। बैंक मैनेजर के कमरे ते कैशियर के कैबिन दे विच अलार्म लग्या होया सी, पर यह अलार्म खराब सन। घटना तो बाद इन्हां नूं ठीक करवा दिता गया। तो यही साडे मुल्क दे सिस्टम की त्रासदी है कि जदों कोई घटना वापर जाती है उस तो बाद उत्थे सारा कुछ ठीक हो जाता है, अदरवाइज सारा कुछ खराब ही चलता रहिंदा है।